किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज नहीं, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को रेजा रेजा कर देती है। आजादी के लिए जरूरी नहीं कि तुम जमीनों आसमान खरीद लो। हां, अलबत्ता ये जरूर है कि तुम सिर्फ खुद को मत बेचो। फिक्र ना करो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूं। ये जुमला अक्सर वो लोग बोलते हैं जो वक्त पड़ने पर कभी दस्तयाब नहीं होते। दूसरों को छोटा, घटिया और नीच साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखने में ही अजमत और बड़ाई है। हम उस वक्त बदतरीन ज़हनियत का मुजाहरा करते हैं जब कोई गुमराह इंसान राहे रास्त पे आने के बाद हमें नेकी की तलकीन करे और हम उसका माजी लेकर बैठ जाएं। गाली का जवाब गाली और ताने का जवाब ताने से देना दिल को तस्कीन देना है, लेकिन दिमाग को बंजर कर देता है। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो फौरन अपनी हार मान लो कि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज खुदा की और लोगों की अमानत होते हैं। एतबार हार दिया तो कभी कुछ जीत नहीं पाओगे। खुलेआम दुश्मनी कर लो, लेकिन दिखावे की दोस्ती ना करो। इंसान मरता मर जाए, मगर कभी भी उन सहारों पर भरोसा ना करे जो कई बार उसकी बुनियादों को हिला चुके हों। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत के नाम पर बिकता है, और सबसे महंगी भी इंसान को मोहब्बत ही पड़ती है। बाज लोग इतने बहादुर होते हैं, जब उनकी जिंदगी में गम बढ़ जाए तो वो अपने कहकहों में शिद्दत ले आते हैं। अल्फाज चाबियों की मानद हैं, इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। दूसरों की मानना, उनको अहमियत देना, उनको सराहना और उनको तस्लीम करना मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत नहीं जो अक्सर हम मर्दों औरत तक महदूद रखते हैं, बल्कि ये वो मोहब्बत है जिसे इंसानियत कहा जाता है। खाने में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज नहीं। पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सबको भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। और अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, मैं सब तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा।